नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक NSSIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। गबन पाठ 34। उसी दिन शव काशी लाया गया, वहीं उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे, उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना से ही रोमांच हो आया था। वहां पहुंचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्राध्य सारे दिन उसके साथ रहती थी। शोका तो रतन को न घर बार की सुध थी न खाने पीने की। नित्य ही कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाती थी जिस पर वह घंटों रोती। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती थी कि हिचकियां बन जाती थी। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवक के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर जब कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी, पति का गुणगान किया करती थी। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्चा कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में कोई बात न होगी। मानो यह चिंता आत्मा के प्रति अभिक्त होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इसका व्यवहार न जाने उसके जीवन को कलंकित कितना और करेगा। इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझ कर वह देखती संभालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवा टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट बताई थी, निकाले देती थी, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर अपनी जबान तक न खोली। कोमल भाव उसके हृदय में आते मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा किसी भी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझने लगी थी। वकील साहब के भतीजे का नाम मणिभूषणम, बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल, इसी एक महीने में अपने सैकड़ों मित्र बना लिए थे उसने। शहर के जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सब ने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफी पैदा करी कि रतन को खबर नहीं और बैंक के लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे, उस पर तो कब्जा कर ही लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगे, गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन टीमल ने आके रतन से कहा, बहूजी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपये अपने नाम कर लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नजरों से देखा कि उसमें फिर कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ कह भी ना सके। अब केवल महराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिला कर ऐसा मिलाया कि वहीं उनका दम भरने लगा। महरी से कहती, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का है, बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहूजी बाल की खाल निकाला करती थी, ये बेचारे तो कुछ ना बोलते। महरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था, उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडलाया करती थी। रतन को जरा भी खबर न थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, मुझे तो अब यह रहना व्यर्थ मालूम होता है, मैं सोचता हूं अब आपको लेकर घर चला जाऊं, वहां आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया हो, और सकपकाई आंखों से उसको देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण, जी हाँ, कह रहा था कि हम लोगों का यहाँ रहना व्यर्थ है, आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ अच्छा तो होगा। मणिभूषण,
काका जी ने कोई वसीयत नामा लिखा हो तो लाइए देखूं, उनको इच्छाओं के आगे सर झुकाना हमारा कर्तव्य है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए, जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही न रह गया हो, जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिख कर गए हो। रतन, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ मैं भी चाहती हूँ। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई 30,000 साल की है, यह तो आपको मालूम है, इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि यह सब जो का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या? मणिभूषण, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाएगा। रतन, बहुत अच्छा होगा, मुझे रुपए पैसों की अब क्या ही जरूरत है। मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं, मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से यह फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीनों में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणिभूषण, बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं, 1,500 पड़े होंगे, यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझे तो इस शहर में एक भी महीना न रह गया, मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन के इसके जवाब में यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मानव होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्य कुशलता ने इस प्रकार से उसको पराभूत कर लिया था कि इस समय जो उसकी थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभचिंतक समझने लगती थी। शोक और मनस्ताप से उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया गया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भैतिकता जैसे भस्म हो गई थी, वह सभी को अपना समझने लगी थी। उसे किसी पर संदेह न था, किसी से शंका न थी, कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण कर लेता तो वह शोर न मचाती। उम्मीद है ये सुनके आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।